press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को और उनके शो पे होंगे एक स्पेशल गेस्ट। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। यही 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 जहालत जो है वो इस्लाम का हिस्सा बन गई है मौलाना साहब। लाखों करोड़ों बच्चे अपाहज हैं देश में, दुनिया में अरबों खरबों बच्चे, लेकिन वो सारे के सारे कजिन मैरिजेस की थोड़ी है। अगर आप चेक करेंगे तो उसमें ज्यादा तादाद ऐसे बच्चों की नहीं, नहीं। मेरी नजर में जितने भी बच्चे हैं कोई उनमें कजिन मैरिजेस का नहीं है। अब इत्तेफाक होगा आपको नहीं दिखे, मुझे तो बहुत दिखे और बाकायदा रिपोर्ट है। मैं आपको भेज सकती हूँ। देखिए गलत किसको, गलत उसको दिखता है जो चश्मा गलत लगा लेता है। चश्मा सही लगा लीजिए, सही दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि ये जो यहाँ पर होता है ना, ये हलाला हो रहा है, उसके बाद मुक्ता और हलाला गलत है, वो भी एक तरह की प्रोस्टिट्यूशन। मैं बताता हूँ, मेरा के लिए आपने शादी की है और उसके बाद आप छोड़ देंगे, पहले से पता बिल्कुल है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, बिल्कुल दोनों बातें गलत है। मैं आपको तफसील से बताता हूँ। हलाला जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सिर्फ एक वाकया ऐसा पेश आया कि एक औरत को किसी ने तलाक दे दी, उसने किसी से निकाह कर लिया, औरत ने इत्तेफाक से जिसे निकाह किया था वो आदमी शादी के काबिल नहीं था। तो ये औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला पूछने के लिए आई, कहा है अल्लाह के रसूल क्या मैं अपने पहले शोहर के साथ शादी कर सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दूसरे शोहर से जिससे शादी की है आपने, क्या उससे मुबाशरत हो गई आपकी? तो उसने कहा जी वो इस लायक नहीं है। तो आपने फरमाया कि आप पहले शोहर के पास जब जा सकती हो जब दूसरे शोहर से आपकी मुबाशरत हो जाए। आपने ये नहीं कहा कि हलाला कर लो या एक रात के लिए किसी के पास, आपने नहीं कहा ना, ऐसा कोई दीन में मिलता है। ये जो कर रहे हैं लोग या जिन्होंने किया है वो हरामकारी कर रहे हैं, हलाला इस चीज का नाम है ही नहीं, हलाला शरीयत में कोई चीज है ही नहीं। मतलब औरत ये है, औरत पहले शौहर से दूसरी शादी किए बगैर दोबारा निकाह कर सकती है, आपके ये कहना चाह रहे हैं? हलाला ये है कि अगर किसी ने तलाक दे दी अपनी बीवी को, अब वो उसके लिए हराम हो गई, अब उस औरत ने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली, इत्तेफाक से वो आदमी मर जाता है या वो भी उसको तलाक दे देता है, तो फिर ये अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है। नहीं, अगर अगर कुछ भी नहीं होता, उसने तलाक दे दी, वो औरत फिर आना चाह रही है, दोनों फिर शादी करना चाह रहे हैं, बगैर औरत किसी और से शादी के बगैर दोबारा निकाह कर सकती है उस आदमी से? नहीं कर सकती। अगर अगर एक तलाक दी है जिसको तलाक रजी कहते हैं तो वो वापस हो सकती है। नहीं, अगर दो तलाकें और तीन तलाकें, अगर तीन तलाक हो गई तो फिर वापस नहीं हो सकती, निकाह के साथ भी वापस नहीं हो सकती। फिर उनकी सजा ये है दोनों की कि वो बिल्कुल अलग हो जाएं पूरी जिंदगी के लिए। और अगर दोबारा वो दोबारा मिलना चाह रहे हैं तो फिर औरत को कहीं और शादी करनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं ना आप? तो वही हलालत हो गया और क्या हो गया ये? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर दोबारा मिलना है तो किसी के साथ एक रात सो के आइए, नौजबिल्ला ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप उसको समझ ही नहीं, आप तो घुमा के अपनी बात लाना चाह रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने तलाक दे दी औरत को, अब ये उसके लिए हराम हो गई, अब जाहिर बात है अगर ये जवान औरत है तो शादी करेगी किसी से? अगर इसने किसी से शादी की और वो इत्तेफाक से वो आदमी इसका मर गया या उसने इसको तलाक दे दी तो पहले शोहर से शादी कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। अगर मौलाना साहब औरत कहीं शादी नहीं करती, तलाक के बाद वो कहीं शादी नहीं करती, दोबारा उसी आदमी के पास जाना चाहती है तो नहीं कर सकती, जा सकती है? इस्लाम मना करता है इसको, नहीं कर सकती। वही तो मैं भी कह रही हूँ आपको, इतनी देर से पता नहीं आप कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि यही तो हलाला है। और क्या है कि फिर उस हलाला कहाँ से हो गया शादी उसको? अरे हलाला कहाँ से हो गया ये? अजीब बात कर रही हो आप, हलाला कहाँ से हो गया? नहीं तो वो नहीं कर सकती, नहीं कर सकती क्यों? क्या मतलब है? शरीयत ने कहा है कि ये औरत उससे उस पहले शोहर के पास
नहीं जा सकती, तो नहीं जा सकती। अब इसमें क्यों का क्या मतलब है? यही मैं कह रही हूँ ना, हरामकारी करनी है तो चले जाओ, हरामकारी की अगर क्या बात हरामकारी करनी है तो चले जाओ, दोबारा कौन मना कर रहा है? दोबारा दूसरे लोग भी तो निकाह नहीं होता ना। इस्लाम ये कहता है कि जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, अब उसका निकाह उसके साथ नहीं होगा। अगर साथ में रहेंगे तो हरामकारी होगी, जिनाकारी होगी। अगर किसी को करना है तो करे, और इस्लाम अगर तो नहीं किसी मानता। और से, और वही मैं आपको वही तो कह रही हूँ, उसके बाद कहीं और शादी करती है और उसके कुछ अरसे बाद आ जाती है तो शादी कर सकती है, तो ये हलाला ही तो कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? नहीं, हलाला जो आजकल राइज है वो ये है कि तलाक हो जाती है, फिर कोई आदमी बीच में आता है, उसको कहा जाता है भाई एक रात के लिए निकाह कर लो, सुबह तलाक दे देना। इसको हलाला मानते हैं लोग। ये हलाला, हलाले का मतलब ये नहीं कि एक रात के लिए औरत कहीं चली जाए। हलाला का मतलब ये है कि वो हलाल हो जाए उस पहले शोहर के लिए, और हलाल होने की शर्त ये है कि वो दूसरे आदमी से बगैर किसी शर्त के, ये नहीं कि मैं एक दिन में, 2 दिन में, 6 महीने में तलाक दे दूंगा आपको, बगैर किसी शर्त के शादी कर ले, अपनी अपनी जिंदगी जिए। अगर किसी वजह से इत्तेफाक होता है, उसको तलाक हो जाती है या वो आदमी मर जाता है, और फिर ये अब चूंकि फिर दोबारा शादी करना चाहती है ये, तो अगर पहले शोहर से करना चाहती है तो कर सकती है। यानी हर हाल में अब इसमें बारह हलाला कहां से आ बारह गया? इसमें हलाला कहां से आ गया मुझे बताओ आप। खैर वो खैर मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन ये कि बहरहाल हर हाल में औरत ने ही जो है वो मुश्किल उठानी है, बहरहाल नहीं, ये मुश्किल क्यों हलाला ही उठानी है? कहेंगे सर, इसको हलाला ही कहेंगे मौलाना साहब, मुझे नहीं पता इसका कुछ और नाम आप भी इसको होता कुछ भी होगा, कह लीजिए। देखिए मुझे बात नहीं सुनिए, मालूम क्यों। आप तो इसको हरामा भी कह सकती हैं। हलाला क्या हरामा भी कह सकती हैं आप इसको? कहिए, आपके कहने पर पाबंदी कौन लगा सकता है? आप तो इसको कुछ भी बिल्कुल कहिए भाई, आपकी सोच पे, आपके कहने पे कोई पाबंदी थोड़े लगा सकता है। वो तो आपके आपके ऊपर भी नहीं लगा सकता, आप तो बैठ के मुझे पता नहीं, नहीं मैं नॉन तो मुस्लिम कुरान और की क्या बात क्या बता मेरे रहा हूं ऊपर आपको। आप मेरे ऊपर टाइटल लगा रहे थे बैठे हुए, जो कि मैंने कहा नहीं, ही नहीं, वो मैं बात मैंने कही सुनिए, नहीं, उस बात को आप चलिए मेरे मैं ऊपर उसके लिए लगा माफी रहे थे। मांग लेता हूँ, मैं उसके लिए माफी जी जी चाहता हूँ आपसे, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। जी चले इस्लाम माफ में यही करें, तो कोई वसीउन बड़ी नजरी बात है, इस्लाम में यही वसीउन नजरी है कि अगर नहीं। आपको लगे कि आपसे गलती हुई तो उसको माफी मांग ले, क्या दिक्कत है उसमें? तो आदमी माफी अच्छा मांगने छोटा थोड़ी होता मौलाना है। साहब, अगर 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 कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम से शादी करे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, तो उसको मुसलमान करना क्यों जरूरी है? वो अपना मजहब फॉलो करते रहे, जिसने शादी की वो अपना मजहब फॉलो करती रहे, क्या हरज है? मुसलमान करना कौन कहता है जरूरी है? कहा जाता है ना कि अगर किसी हिंदू से करें, किसी कौन कहता क्रिश्चियन है? से करें, किसी से करें, कौन तो कहता है? फिर मुसलमान जो है वो दूसरे को भी मुसलमान होना जरूरी है, कौन कौन कहता है सभी ये बात? कहते मैं वही हैं, तो, सभी कहते हैं। सभी कौन कहता है? मैं यही तो, ये तो हवा में कह रही हैं आप। कौन कहता है मुझे ऑथेंटिक किसी आदमी का क्या नाम ऐसा बताइए नहीं है? कि क्या ऐसा फला नहीं आदमी, है? फला मुफ्ती क्या कहता ऐसा है, फला नहीं है? मौलवी क्या ऐसा कहता है? नहीं है? नहीं, क्या ऐसा नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी हिंदू से शादी करना चाहूं तो क्या उसको नहीं, मुसलमान होना शादी पड़ेगा? वो ये रहे, शादी होती नहीं है, वही मैं कह रही हूं ना, क्यों गैर नहीं होती? मुस्लिम से निकाह नहीं होता। लेकिन ये कि उसको मुसलमान करना जरूरी है, ऐसा तो नहीं है। ये दो चीज है अलग अलग, एक तो किसी गैर मुस्लिम से निकाह करना, एक उसको मुसलमान करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप दोनों को एक साथ करके सवाल कर रही हैं। अगर कोई आदमी किसी गैर मुस्लिम से निकाह करता है तो उसका निकाह नहीं होता, ये एक बात हो गई। अब ये कि कोई आदमी ये शर्त रखे कि मैं आपसे निकाह तब करूंगी या करूंगा जब आप मुसलमान हो जाएंगे, ये भी जायज नहीं है, क्योंकि निकाह बिला शर्त होता है, निकाह में कोई शर्त नहीं होती। तो तो ये कहना यानी कि आप मुसलमान हो जाओ तब निकाह करूंगी, ये भी गलत है, इस्लाम नहीं मतलब मानता उस उसके चीज बगैर को। हो सकता है, इसका बिल्कुल सही। इसका मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो आदमी या वो औरत बिचारी या बेचारा वो आपसे शादी करने के लिए मुसलमान हो रहा है, वो अपने दिल से थोड़े मुसलमान हो रहा है। सही। और इस्लाम, इस्लाम उसको कहते हैं जो दिल से माना जाए, जिसमें तो जबरदस्ती बिल्कुल, ना हो। यानी कि अगर कोई मुसलमान औरत भी अगर किसी मर्द से शादी करना चाहे जो मुसलमान नहीं है, तो वो कर सकती है, उसके लिए कोई कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है नहीं, कि कर जा सकती। सकना, फिर आप दोनों दो चीज एक जगह कर रही हैं। देखो, बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में भी जो गैर मुस्लिम के साथ शादी करके रह रहे हैं,
कर सकना अलग चीज है, हो जाना अलग चीज है, लेकिन शरीयत ये कहती है कि किसी गैर मुस्लिम से आपका निकाह जायज नहीं है, निकाह के लिए दोनों का मुसलमान होना जरूरी है, वो निकाह माना जाएगा हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जो आप कहें, जैसा भी आपके यहाँ का कानून होगा। जैसे हमारे यहाँ का कानून ये है कि अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करे, या मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे, तो कोर्ट मैरिज हो जाता है, कानून उसको शादी मानता है, लेकिन इस्लाम उसको शादी नहीं मानता। और इस्लाम इसको भी मना करता है कि आप निकाह के लिए किसी को मुसलमान बनाओ, इस्लाम इसको भी मना करता है। सही, इसको लेकिन समझने की बहरहाल जरूरत है। बहुत कंफ्यूजन है, बहरहाल देखते हैं। कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन उन लोगों के लिए है जो इस्लाम को समझना नहीं चाहते, जो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। नहीं, हम जो रिफॉर्म आदमी करना मुझे, चाहते हैं, सुनिए हम चाहते हैं रिफॉर्म्स होनी सुनिए चाहिए इस्लाम में। मोहतरमा, एक चीज तो आप जानती होंगी, जिससे एक आम बात हो गई, अब जिससे आदमी मोहब्बत करता है ना, उसके 1000 गुना भी माफ करता है, और जिससे मोहब्बत नहीं होती ना, दोस्ती ताल्लुक नहीं होता, उसकी सच्चाई और अच्छाई भी बुरी लगती है। यही सही, बात रिलीजन के ऊपर साबित आती है। जब किसी रिलीजन से कोई आदमी मोहब्बत करता है, तो उसकी उस रिलीजन की हर बात उसको अच्छी लगती है, अगर मोहब्बत नहीं करता तो उसकी अच्छाई भी बुराई लगती है। ये फितरत है इंसान की। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।